जय सेवा जय गुणाना सगाजनों, सभी गुणाना वासियों का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज हम नाइट शब्द की उत्पत्ति गुंडी भाषा के नरमाना शब्द से किस प्रकार से होती है, इसको हम डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। तो सगाजनों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो जैसे कि सगाजनों, अभी देखिए नाइट शब्द की उत्पत्ति हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे अभी। तो जैसे कि गुंडी भाषा का एक क्रियापद है ना, तो जैसे कि नरमाना, नरमाना का मतलब क्या होता है, सोना, ओके ना। इधर एक तरफ लेता हूँ मैं, सॉरी उसी में ले लेता हूँ मैं सुनजाना, है ना, इसको मैं दोनों को ले लेता हूँ। सुनजाना का मतलब क्या होता है, सोना, ओके ना, जो रात में हम सोते हैं नरमाना, ओके ना। अगर हम शाम में 6 बजे में सोते हैं तो उसको बोलेंगे हम नुलपाना, यानी उसका मतलब होता है शाम का सोना, ओके ना। तो अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, नरमाना या सुनजाना का मतलब क्या होता है, सोना, ओके। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, नरमाना या सुनजाना को हम स्लीप, ओके ना, स्लीप, इस प्रकार से है। तो अभी देखिए सगाजन, हम इसको सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अभी। जैसे कि इम्मा, इम्मा या तो निम्मा, है ना, इम्मा या तो निम्मा, इसका मतलब क्या होता है, तू या तो तुम, है ना। ये जो सेंटेंस, ये जो शब्द है, ये जो सर्वनाम है, ये कैसा सर्वनाम, हमारा सिंगुलर है ना, ये क्या हमारा सिंगुलर है, यानी एक वचनी है। तो अभी हम इसी के अनुसार इसमें देखिए ना, यानी इसका मतलब क्या होता है, इम्मा, इम्मा या निम्मा, नरमा का मतलब क्या होता है, तू सो, है ना, तू सो या तो तुम सो, ये सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर है, ओके ना। ये जो सेंटेंस है ये कैसा अपना ला, सिंगुलर है, ओके। तो अभी देखिए सगाजनों, इसको जो है हम इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, जैसे कि जिस प्रकार सगाजनों हमारे यहाँ पे छोटा ई है ना, ये जो छोटा ई जो है हमें क्या करना है, इसमें लगाना है ना। यहाँ पे सगाजनों हमने क्या लगाया, छोटा ई लगाया है, इसका मतलब क्या था, इम्मा नरमी, है ना। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, नरमा भी यूज कर सकते हैं, नरमी भी यूज कर सकते हैं, ओके ना। इम्मा नरमा यानी तू सो, इम्मा नरमी यानी तू सो, ओके। तो अभी देखिए इसको मैं बहुवचन में बनाता हूँ, जैसे कि इमाट, इमाट या तो निमाट, इमाट या तो निमाट। अभी यहाँ पे देखिए सगाजनों, हमने जिस प्रकार यहाँ पे ट प्रत्यय लिया है, उसी प्रकार हम क्रियापद में भी ट प्रत्यय लेंगे, है ना। जिस प्रकार हमने कर्ता में ट प्रत्यय लिया, उसी प्रकार हम सर्व क्रियापद में भी ट प्रत्यय लेंगे, ओके ना। तो या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अभी जो है सगाजन हम बड़ा ई लगाएंगे यहाँ पे, है ना, यानी इसका मतलब क्या होता है, तुम सो जाओ, है ना, तुम सो, यानी बहुवचन में। तो अभी देखिए सगाजनों, ये जो नरमाट जो शब्द है ना, ये जो नरमाट जो शब्द है, नरमाट शब्द से कैसा बनता है, नाइट, है ना, जो हम रात में यूज करते हैं, जैसे कि बोलते हैं निको नरमा, है ना, निको नरमाट, यानी शुभ रात्रि में सो जाओ, इस प्रकार से। तो या फिर सगाजनों हम इसको इस प्रकार भी बोलते हैं, जैसे कि नरमा, है ना, तो जैसे कि नरका, है ना, नरका का मतलब क्या होता है, रात्रि होता है, जैसे कि हम बोलते हैं उसको निको नरका, है ना, निको नरका, या तो निको नरमी, या तो निको नरमा, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। तो सगाजनों, ये जो नरमाट जो शब्द है, नरमाट शब्द में से देखने को मिलेंगे आपको नाइट शब्द, है ना। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को जैसे कि गुंडी भाषा के जो शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज पर किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, उसके इर्द इसके इर्द गिर्द घूमने वाले शब्द इन लोगों ने बनाए, है ना। कैसा बनाया उन्होंने, नाइट, ओके ना, नरमाट, है ना, नाइट, नरमाट, नाइट, नरमाट, नाइट, है ना। तो उसी के अनुसार देखिए, हिंदी भाषा का शब्द देखिए, मराठी भाषा का शब्द देखिए, अन्य भाषाओं का शब्द देखिए, वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, है ना, वो कहीं पर भी उसको मैच नहीं होता। यानी नाइट में जैसे कि रात्रि बोलेंगे, है ना, नाइट को क्या बोलेंगे हिंदी भाषा में, रात्रि, ओके ना। मगर उत्पत्ति किससे हुई है, गुंडी भाषा के नरमाट शब्द से हुई है, ओके ना, गुंडी भाषा के नरमाट क्रियापद से हुई है ना, नरमाना, ओके ना, सॉरी नरमाना, है ना, नाइट, ओके। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, रात्रि बोलेंगे, ओके ना।
अगर हम इसको क्या बोलेंगे, गुंडे भाषा में क्या बोलेंगे, इसको नारका बोलेंगे, ओके ना, इस प्रकार से। तो सगाजनो, अभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि गुंडी भाषा के शब्द इंग्लिश लैंग्वेज से क्यों मैच होते हैं, है ना, क्योंकि सगाजनो गुंडी भाषा के जो शब्द है ना, गुंडी भाषा जो है काफ़ी प्राचीन भाषा थी, बहुत ही एंशंट लैंग्वेज थी, है ना, तो इसीलिए आप लोगों को सभी भाषाओं में ये शब्द देखने को मिलते हैं, ओके। तो सगाजनो, इस प्रकार से एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो और सगाजनो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, है ना, दोनों को यानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं।